सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़र बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ को डिस्कस करने वाला हूँ, और ये कंसेप्ट भी हमारे पहले चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का ही पार्ट है, भाग है। तो आइए शुरू करते हैं थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। द थ्री डोमेन सिस्टम वॉज क्लासीफाइज लाइफ ऑन द प्लैनेट इंटू थ्री डिफरेंट डोमेन्स। थ्री डोमेन सिस्टम जो है वो इस प्लैनेट अर्थ पर पाई जाने वाली लाइफ को तीन डिफरेंट डोमेन में क्लासीफाई करेगा, आर्किया के अंदर, यू बैक्टीरिया के अंदर और यू केरा के अंदर। आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, थ्री डोमेन्स में पहला डोमेन आर्किया है, दूसरा डोमेन यू बैक्टीरिया है और तीसरा डोमेन यू केरिया है। इस थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ लाइफ को देने वाले अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट कार्ल वूज थे, जिन्होंने 1990 में इस कंसेप्ट को दिया। बिफोर द कंसेप्ट ऑफ थ्री डोमेन्स ऑफ सेलुलर लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस, लाइफ ऑन प्लैनेट वॉज ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज। इस थ्री डोमेन सिस्टम के आने से पहले इस प्लैनेट अर्थ पर लाइफ को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। पहली कैटेगरी थी प्रोकैरियोटी या मोनेरा, जिसके अंदर बैक्टीरिया को रखा गया, और दूसरी कैटेगरी थी यूकैरियोटी, जिसके अंदर एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्ट को रखा गया, यानी फाइव किंगडम सिस्टम, जिसे आर एच विटाकर ने दिया था। मोनेरा पहला किंगडम था, प्रोटिस्टा दूसरा किंगडम था, फंजाई तीसरा किंगडम था, प्लांटी चौथा किंगडम था और एनिमेलिया पांचवा किंगडम था। तो कार्ल वूज के थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ लाइफ से पहले फाइव किंगडम सिस्टम दिया गया था। कार्ल वूज ने प्रोकैरियोटी को दो ग्रुप में तोड़ दिया और आर्किया और यू बैक्टीरिया दो डोमेन्स बना दिया, और बाकी के बचे चार किंगडम को कार्ल वूज ने एक अलग से डोमेन में रख दिया, जिसे नाम दे दिया गया यूकेरिया। और इस प्रकार से थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ लाइफ जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे हम थ्री डोमेन्स का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहले हम आर्किया लेते हैं, जिसके अंदर आर्की बैक्टीरिया को रखा गया, और आर्की बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अनलाइक द बैक्टीरिया एंड यूकेरिया, यूकेरिया और बैक्टीरिया से अलग, आर्किया के अंदर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसके अंदर ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन्स मिलेगी, और ये ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन्स जो है वो ग्लिसरॉल से ईथर लिंकेज के द्वारा अटैच पाई जाएगी। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ईथर लिंकेजेस मिलते हैं। इस ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन में रिंग स्ट्रक्चर्स भी पाए जा सकते हैं। द सेल वॉल्स ऑफ आर्किया कंटेन नो पेप्टिडोग्लान। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकान, जो कि सुगर और अमीनो एसिड का पॉलीमर है, नहीं पाया जाता है। तो लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी सेल वॉल जो है वो यू बैक्टीरिया से डिफर करेगी। यू बैक्टीरिया की सेल वॉल आगे अपन देखने वाले हैं पेप्टिडोग्लाइकान से बनी हुई होती है। आर्किया कंटेन आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए दैट इज यूनिक। यहाँ पर आरआरएनए एक यूनिक मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है, क्योंकि ये अलग से डिफरेंट डिफरेंट रीजन रखता है, और ये रीजन बैक्टीरिया और यूकेरिया से डिफरेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए जो है वो एक यूनिक मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाएगा। आर्किया ऑफन लाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स, आर्की बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में भी पाए जाते हैं, एंड इंक्लूड इनके अंदर अपन मेथेनोजेंस को, एक्सट्रीम हेलोफाइल्स को और हाइपर थर्मोफाइल्स को रखेंगे। लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन रीजन फॉर दिस इज दैट द ईथर कंटेनिंग लिंकेज, इसका पहला कारण है इनके अंदर पाया जाने वाला ईथर लिंकेज, जिसकी वजह से इनकी मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा स्टेबाइल हो जाती है, स्टेबल हो जाती है देन द एस्टर कंटेनिंग लिंकेजेज, एस्टर कंटेनिंग लिंकेजेज की तुलना में, जो कि बैक्टीरिया और यूकेरिया की सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाएंगे। लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया और यूकेरिया के जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी सेल मेम्ब्रेन में एस्टर कंटेनिंग बॉन्ड पाया जाएगा, जिसकी वजह से उनकी मेम्ब्रेन जो है वो लेस स्टेबल हो जाएगी या लेस स्टेबल हो जाएगी। ड्यू टू दिस आर्की बैक्टीरिया आर बेटर एबल टू विदस्टैंड हायर टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एनवायरमेंट्स या कंसेंट्रेशंस। इसी की वजह से जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं
वो हायर टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाते हैं और हाईली एसिडिक एनवायरमेंट में भी पाए जाते हैं। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम देखते हैं बैक्टीरिया, दूसरा डोमेन, जैसे हम यू बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, बैक्टीरिया भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, लाइक द यूकेरिया, दे हैव मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ अनब्रांच फैटी एसिड्स। इनकी मेम्ब्रेन में अनब्रांच फैटी एसिड्स चांस मिलेगी और ग्लिसरॉल से ये एस्टर लिंकेज या बॉन्ड के द्वारा अटैच पाई जाएगी। तो ये डिफरेंस हो गया यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से लर्न करेंगे। द सेल वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया अनलाइक द आर्किया एंड द यूकेरिया कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरिया के सेल वॉल में एक पॉलीमर पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है, लर्न करेंगे आप। बैक्टीरिया इंक्लूड या यू बैक्टीरिया के अंदर स्टूडेंट्स हम माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को रखेंगे। यू बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, आप लर्न करेंगे। माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी हम बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। आगे हम तीसरा डोमेन लेते हैं यूकेरिया या यूकेरियोट्स। द यूकेरिया आल्सो स्पेल्ड यूकेरा, इसे यूकेरा के रूप में भी लिखा जा सकता है, पसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यूकेरिया हैव यूकेरोटिक सेल्स, ये सारी यूकेरोटिक सेल्स होगी। लाइक द बैक्टीरिया दे हैव मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ अनब्रांच्ड फैटी एसिड चेन्स अटैच्ड टू ग्लिसरॉल एस्टर लिंकेजेस। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स विच रिजेंबल विथ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, नॉट ऑल यूकेरिया पसेस सेल्स विथ ए सेल वॉल, बट फॉर दोज यूकेरिया हैविंग ए सेल वॉल दैट वॉल कंटेंस नो पेप्टिडोग्लाइकन। सारे यूकेरिया के अंदर सेल वॉल्स नहीं पाई जाएगी और जिनके अंदर भी सेल वॉल्स पाई जाएगी उनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो एब्सेंट रहेगा। जैसे कि फंजाई में हम देखेंगे जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी हुई होती है और प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। द यूकेरिया आर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग किंगडम्स। यूकेरिया को फॉलोइंग किंगडम में सब डिवाइड किया गया है। पहला किंगडम प्रोटिस्टा आ जाएगा आपका। प्रोटिस्टा सिंपल प्रीडोमिनेंटली यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके अंदर हम स्लाइम मोल्ड्स को, यूग्लिनॉइड्स को, एल्गी को और प्रोटोजोन्स को इंक्लूड करेंगे। दूसरा किंगडम आपका फंजाई किंगडम आ जाएगा। फंजाई यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर दोनों प्रकार की मिलेगी और यूकेरियोटिक सेल्स हो जाएगी। द सेल्स हैव सेल वॉल्स, जो सेल्स वो सेल वॉल्स है फंजाई की वो काइटिन से बनी हुई होगी बट आर नॉट ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यूज। टिश्यूज यहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। द डोंट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, इनके द्वारा फोटोसिंथेसिस नहीं किया जाएगा। एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स थ्रू एब्जॉर्प्शन, और फंजाई अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के द्वारा प्राप्त करेगी। एग्जाम्पल्स आपको हो जाएंगे सेक फंजाई, क्लब फंजाई, यीस्ट एंड मोल्ड्स। तो लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। आगे चौथा जो तीसरा जो किंगडम हो जाएगा वो प्लांटी किंगडम हो जाएगा। प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे, कंपोज्ड ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स। ये भी यूकेरियोटिक सेल्स होगी। द सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यूज एंड हैव सेल वॉल्स। यहाँ पर टिश्यूज ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और सेल वॉल्स प्रेजेंट होगी जो कि सेलुलोज से बनी होगी। दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स सारे फोटोसिंथेसिस करेंगे और एब्जॉर्प्शन के द्वारा न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे। एग्जाम्पल्स पर आपके मॉसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाएंगे। चौथा किंगडम हो जाएगा एनिमलिया किंगडम। एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स। द सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यूज, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल वॉल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल्स नहीं पाई जाएगी। दे डोंट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेंगे, अपना न्यूट्रिशन जो है वो प्राइमरली इंजेक्शन के द्वारा प्राप्त करेंगे। एग्जाम्पल्स में आपके स्पॉन्जेस, वर्म्स, इंसेक्ट्स और वर्टिब्रेट्स आ जाएंगे। लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक्स स्टूडेंट्स। तो ये हमारा थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ लाइफ का जो कंसेप्ट है वो पूरा होता है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसे समझेंगे।